इब्तिदा में मैंने जमीन व आसमां को बनाया, और मुझ में ही सारी चीजों की सृष्टि, चाहे वो आकाश की हो या फिर धरती की। मैंने इंसान को अपनी पहचान में बनाया और हर अच्छी चीज से नवाजा है। मैंने इंसान को अधिकार दिया है, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि वो उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करता है। उसकी दिशा ही उसके भविष्य को निर्धारित करेगी।
रुक 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 रुक, चुना मत, दूर से दूर से। पूरी मिट्टी लगी हुई है, मुझे मिट्टी लगा दोगे और पूरी जगह खराब करके रखी हुई है। प्रसाद चाहिए ना, मिलेगा, वहां जाके बैठो। रामू कुछ दे दो खाने के लिए। गुनाह को आजमा के देख लिया, खुदा से दूर जाके देख लिया, खुदा से दूर जाके देख लिया। उनको आता नहीं किसी पे तरस, हमने हस्ती मिटा के देख लिया, खुदा से दूर जाके देख लिया। सर 5 रुपये। किस बात के भाई, हर जगह तो फ्री में होता है, तू किस बात के मांग रहा है? सर 5 रुपये लगेगा क्योंकि आजकल मशीन में बहुत खर्चा होता है। तो मैं क्या करूं, पहले बताता, मैं हवा भरवाता ही नहीं। क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ पापा? पहले तो मेरे बेटे को मार दिया तुमने, अब क्या धर्म भी बदलना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। ऐसा ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अब तक इस घर में जो होता आया है वही होगा, उसे बदलने की कोशिश मत करना। मेरे बेटे के जाने के बाद जो भी तुम्हें इस घर में मिला है वो काफी है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और ये मत भूलो कि तुम एक विधवा हो। पापा मैं जो कुछ कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, मैं कोई धर्म बदलना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इस बाइबल के जरिए खुद की और आपकी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक बार बैठ के सुनिए कि इस बाइबल में लिखा क्या है। अरे क्या लिखा हो सकता है इसमें,
सब बेकार की बात है, सब बकवास है, छोड़ो। छोटू, माल मिल गया? हाँ, कोई बात नहीं है, 4-5 हज़ार खिलाना है तो खिला दो, मगर काम करके आ जाना भाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। नमस्कार सेठ जी। अच्छा, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ छोटू तुझे। अरे बहू भाई आओ। चावल लाया हूँ सेठ जी। अरे बहू भाई बता के तो आते, फ़ोन किया होता मुझे। सेठ जी मैंने फ़ोन किया था SDD से, आपने उठाया नहीं। अच्छा कितना लाए दिखाओ। 2 क्विंटल चावल लाया हूँ। बहू भाई मैंने कल ही चावल खरीदे और इस बार आपका चावल काफ़ी कमज़ोर है। नहीं नहीं सेठ जी, बहुत अच्छा चावल है। चावल में कुछ दम नहीं है, अगर इसको मैं खरीदूंगा तो 2000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। 2000? 2000 बहुत कम होता है सेठ जी, इसमें मैं घर का खर्चा, बच्चों का स्कूल का खर्चा कैसे कर पाऊंगा सेठ जी, आप बताइए। इससे ज़्यादा नहीं, अगर वापस लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। वापस इतनी दूर कैसे ले जा सकता हूँ सेठ जी, आप बताइए। बस इससे ज़्यादा नहीं, 2000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसे आप ठीक समझे। इतने वादे जमाना करता है, हर जगह आके जाके देख लिया। कौन है ये? वो अपने बाजू में वो जो किसान रहता था ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत कर्जा हो गया था तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। साहब 6 हज़ार की तो खरीदी है, इतने में कैसे? तुम किसानों से कितने में खरीदते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना ही करो तो ये अच्छा है। 2500 रुपया से 1 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा। नहीं चाहिए तो अपना माल उठाओ और चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। खुदा का रास्ता ही अच्छा है, दिल के कहने में आके देख लिया। खुदा से दूर जाके देख लिया, खुदा से दूर जाके देख लिया। वचन कहता है कि महिमा में परमेश्वर आएगा और वो न्याय करेगा और कहेगा आओ स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मेरे घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। क्यों? क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं बेहाल था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए, मैं कैद खाने में था तुम मेरा हाल पूछने आए, और जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में रखा। लेकिन ये धर्मी लोग कहेंगे प्रभु ये अच्छे लोग हैं, प्रभु हमने तो ऐसा नहीं किया, तू कब आया और हमने तुझे रोटी दी, तू कब आया और हमने तुझे पानी पिलाया, तुझे हमने कपड़ा कब दिया, तुझे हमने अपने घर में कब रखा, तुझे हम कैद खाने में देखने भला कब आए? तो यीशु कहता है
याद है तुमने उस गरीब को रोटी दी थी, तुमने मुझे दी। तुमने उस प्यासे को पानी पिलाया, तुमने मुझे पिलाया। तुमने बेहाल लोगों को कपड़ा दिया, तुमने मुझे दिया। वो लोग जो कैद खाने में है, जिनको सारी दुनिया मुजरिम कहती है, पापी कहती है, तुम उसको देखने गए, क्योंकि मैं पापी से प्रेम करता हूँ लेकिन पाप से नफरत करता हूँ। तुमने मेरा काम किया, तुमने उन पापियों को जाकर प्यार दिखाया, और तुमने उन परदेशियों को अपने घर में रखा। तुमने ना जात देखी, ना पात देखी, ना ऊंचा देखा, ना नीचा देखा। आपको मालूम है आज क्या होता है? लोग प्यार करते हैं तो जात देखकर करते हैं, कोई गरीब से प्यार नहीं करता। लोग भेदभाव करते हैं, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये पढ़ा लिखा, ये अनपढ़ है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस सोसाइटी का है, ये इस सोसाइटी का है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने सबको अपनी छवि में बनाया है। जिसको अभी आप देखते हैं वो प्रभु की छवि में बनाया गया है, और जब उसके लिए आप कुछ करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं। जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो हम प्रभु को रिजेक्ट करते हैं। तो कुछ फायदा नहीं, हम जितना मर्जी जाके पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर हम किसी गरीब को छोड़ देते हैं, किसी का हम तिरस्कार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, तो हमारी पूजा किसी काम की नहीं, हमारी प्रार्थना किसी काम की नहीं। तो बदलना पड़ेगा, और बदल जाएंगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा, कहेगा, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष। आपको चाहिए ना आशीष? तो हमें प्रभु जैसा बनना है, हमें परमेश्वर जैसा हृदय रखना है। हर पंडित जी, आप यहाँ नहीं, आगे बैठ जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्षमा कर दो, गलती मेरी है। इस दुनियादारी के चक्कर में मैं भूल ही गया कि प्रभु ने हमें सब एक ही मिट्टी से बनाया, तो फिर मैं कौन होता हूँ ये सब फर्क करने वाला? मेरी इस मूर्खता पर प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हो सके तो आप सब भी। नासरी, काश मैं समझ जाता वक्त कितना गंवा के देख लिया, दा से दूर जाके देख। भाई, इस तलवार को पिघला के इसे खेती के लायक बना दो। छा होए धरती
धरती पे जैसे आसमानों पे है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तेरा पवित्र माना जाए। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। अपने अपराधियों को हमने क्षमा कर दिया, अपने अपराधियों को हमने क्षमा कर दिया। जैसे तू हमें क्षमा करता है, जैसे तू हमें क्षमा करता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तेरा पवित्र माना जाए। बल्कि हर एक बुराई से बचाना, हर एक बुराई से बचाना हमें, हर एक बुराई से बचाना हमें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तेरा पवित्र माना जाए। तेरा राज आए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा हो। धरती पे जैसे आसमानों पे है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तेरा पवित्र माना जाए। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, नाम तेरा पवित्र। राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है।